यू ऑल, लास्ट लेसन हम गाइडेड मीडिया के बारे में पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट टॉपिक है अनगाइडेड मीडिया. गाइडेड मीडिया में आपने पढ़ा था कि ट्रांसमिशन केबल्स के ज़रिए से होती है. फिज़िकल मीडिया भी हम कहते हैं, लेकिन अनगाइडेड मीडिया में ट्रांसमिशन वेव्स के ज़रिए से होती है. उसमें कोई केबल्स वगैरह यूज़ नहीं होती. आइए देखते हैं. एन अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और सिग्नल्स विदाउट यूजिंग एनी फिज़िकल मीडियम. अनगाइडेड ट्रांसमिशन में मीडिया जो है वो ट्रांसमिट कैसे करता है? नंबर वन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए से या सिग्नल्स के ज़रिए से. इसमें कोई भी फिज़िकल मीडियम यूज़ नहीं होता, जैसे कि कोई केबल वगैरह. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज वायरलेस ट्रांसमिशन. इसे हम वायरलेस ट्रांसमिशन भी कहते हैं. देर आर थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ अनगाइडेड मीडिया एज फॉलोज. तीन इसकी मेन कैटेगरीज हैं, तीन इसकी टाइप्स हैं. नंबर वन, रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट ट्रेवल थ्रू ओपन स्पेस इन ऑल डायरेक्शंस आर नोन एज रेडियो वेव्स. जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओपन स्पेस में, हवा में, तमाम सिमतों में जाती है, तमाम डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, उसे कहते हैं रेडियो वेव्स. दीज लो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेंज फ्रॉम 3 kHz टू 1 GHz. अब इनका ट्रैवल की फ्रिक्वेंसी की रेंज क्या होती है? ये 3 kHz से लेकर 1 GHz, यानी 1 GHz 1 GHz तक ट्रैवल कर सकती हैं. इतनी स्पीड के साथ जा सकती हैं. एज रेडियो वेव्स हैव अ लो फ्रिक्वेंसी, दे कैन पास थ्रू ऑब्जेक्ट्स लाइक वॉल्स, अलाउइंग यू टू रिसीव सिग्नल्स इवन व्हेन यू आर विद इन अ स्ट्रक्चर. अब देखते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं. फॉर एग्जांपल, रेडियो है, टेलीफोन, कॉर्डलेस फोन्स और टेलीविज़न वगैरह, वो रूम्स के अंदर ही चल रहे हैं, वो रूम्स के अंदर ही वेव्स को जो है वो रिसीव कर रहे हैं, और इसी वजह से इसको लो फ्रिक्वेंसी वेव कहा जाता है, क्योंकि ये वॉल्स में से भी गुजर जाती हैं इसकी वेव्स और सिग्नल फ्राहम करती हैं. किसी कमरे के अंदर, किसी घर के अंदर, ऑफिस के अंदर आपको सिग्नल मिल जाते हैं. इसकी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, FM रेडियो, कॉर्डलेस फोन्स एंड टेलीविज़न. यहाँ पर देख सकते हैं, हर्ट्स इज़ द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी, इट इज़ रिटन एज Hz. हर्ट्स जो है वो यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी का यूनिट है, और इसे कैपिटल H और Z के साथ किया जाता है. आपको यहाँ पर एक पिक्चर भी नज़र आ रही है, जिसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर दिखाए गए हैं. एंटीना के ज़रिए से रेडियो वेव्स ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ जाती हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ माइक्रोवेव्स ट्रांसमिशन. माइक्रोवेव्स ट्रांसमिशन आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट हैव फ्रिक्वेंसीज बिटवीन 1 and 300 GHz. अब इनकी फ्रिक्वेंसीज ज़्यादा हैं. माइक्रोवेव्स ओनली ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी अपने डेस्टिनेशन से, ये ऑल, पिछली हमने पढ़ा था कि ऑल डायरेक्शंस में जाती है, लेकिन ये जो माइक्रोवेव होती हैं, इसने टर्मिनल, अपने टर्मिनल से दूसरे डेस्टिनेशन तक ही जाना है. इसने दूसरी किसी भी और डायरेक्शन में जो है वो हरकत नहीं करनी. कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंड पॉइंट्स एंड लाइंस ऑफ साइट बिकम्स मच ईजियर टू एस्टेब्लिश वंस द ट्रांसमिशन मीडियम इज़ फेसिंग ईच अदर. इनके दरमियान, दो एंड पॉइंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन कैसे होती है, लाइन ऑफ साइट कैसे होती है? एक आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है टर्मिनल ए, बेस स्टेशन एंड टर्मिनल बी. आप देख सकते हैं सिग्नल टर्मिनल ए से बेस स्टेशन पर डायरेक्ट जाते हैं, और वहाँ से फिर टर्मिनल बी पर, यानी जहाँ पर हमने, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कॉल करते हैं मोबाइल से, तो सबसे पहले कॉल जब मिलती है तो वो बेस स्टेशन पर जाती है, और वहाँ से दूसरे मोबाइल पर जाती है. यही इसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है.
तो इसी में इसमें ऐसे ही कम्युनिकेशन होती है कि कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंड पॉइंट्स एंड लाइन ऑफ साइट बिकम्स मच ईजियर टू एस्टेब्लिश वंस द ट्रांसमिशन मीडियम इज़ फेसिंग ईच अदर। अगर ट्रांसमिशन मीडियम एक दूसरे को फेस कर रहे हैं यानी करीब हैं तो कम्युनिकेशन दो पॉइंट्स के दरमियान बहुत ही ईजी हो जाती है। सम एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं वेयर माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इंक्लूड रेडियो नेविगेशन सिस्टम्स। रेडियो नेविगेशन सिस्टम आप जानते हैं, रेडियो में रेडियो के ज़रिए से नेविगेशन होता है सिमतें मालूम करना, तो रेडियो के ज़रिए से सिमतें भी मालूम की जाती हैं। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर राबता करना। सेंसर सिस्टम्स सेटेलाइट कम्युनिकेशन, सेंसर सिस्टम्स कहते हैं किसी भी जगह पर ऐसे सेंसर डिवाइसेस लगा दिए जाते हैं जिससे खुद ब खुद वो सिस्टम ऑन ऑफ होता है। सेटेलाइट कम्युनिकेशंस, सेटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन होती है। डीप स्पेस रेडियो कम्युनिकेशंस, इसी तरह स्पेस में भी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है। मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन, और मोबाइल फ़ोन के लिए भी यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बताई जा रही है। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू एन एरिया पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक यूनिट टाइम में जितनी नंबर ऑफ वेव्स गुजरेंगी किसी एक एरिया से उसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। थर्ड वन है इंफ्रारेड वेव्स ट्रांसमिशन, अ वायरलेस मेथड यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस इज इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। एक ऐसा वायरलेस मेथड जो कि शॉर्ट डिस्टेंस यानी कम जगहों के लिए, कम फासले के लिए इस्तेमाल होता है, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन कहलाता है। द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम हैज़ फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 300 गीगाहर्ट्ज एंड 400 टेट्राहर्ट्ज ड्यू टू इट्स हाई फ्रीक्वेंसी। इंफ्रारेड ट्रांसमिशन कैन नॉट पास थ्रू द वॉल्स। सम एग्जांपल्स ऑफ द एरिया वेयर इंफ्रारेड वेव्स आर यूज्ड इंक्लूड टीवी रिमोट कंट्रोल यूजेज, डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन टू मोबाइल फ़ोन्स, डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन अ कंप्यूटर एंड सेल फोन। वायरलेस इंफ्रारेड वायरलेस वेव्स ऐसी हैं जिनका जिनकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है, जिसकी वजह से वो वॉल्स के दरमियान से गुजर नहीं सकती, बल्कि एक स्मॉल एरिया के लिए, स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए यूज़ होती हैं। आप देख सकते हैं जब आप एलईडी के साथ, टीवी के साथ रिमोट कंट्रोल यूज़ करते हैं तो आपको बिल्कुल पास में या सामने रिमोट यूज़ करना पड़ता है, किसी दूसरे रूम में या किसी दूसरी जगह पर जाएंगे तो वो रिमोट काम नहीं करता। इसी तरह डेटा ट्रांसफ़र दो मोबाइल्स के दरमियान, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ है आप उसके ज़रिए से करते हैं या किसी भी और ऐप के ज़रिए से डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो बहुत करीब करीब होने चाहिए, अगर कहीं दूर चले जाएंगे तो वो कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। और इसी तरह डेटा ट्रांसफ़र अगर हमने कंप्यूटर या सेलफोन के दरमियान करना है तो उसके लिए भी हमें शॉर्ट डिस्टेंस रखना पड़ता है। इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने पढ़ा था अनगाइडेड मीडिया, जिसमें तीन टाइप्स हैं, रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव्स ट्रांसमिशन एंड इंफ्रारेड वेव्स ट्रांसमिशन। रेडियो वेव्स में आप देख सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है और ये ऑल डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। माइक्रोवेव्स ट्रांसमिशन की फ्रीक्वेंसी हाई होती है और ये सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन की फ्रीक्वेंसी वेरी हाई और ये वॉल्स में से नहीं गुजर सकती और ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए यूज़ होती है कम्युनिकेशन। इसके साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ओके जी, अस्सलामुअलैकुम।